नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की एक मजबूत कड़ी है। बात चाहे वायुसैनिकों के ट्रांसपोर्टेशन की हो या फिर दुर्गम और बर्फीली पहाड़ी चोटियों से एयरलिफ्ट ऑपरेशन की, चिनूक हेलीकॉप्टरों का कोई तोड़ नहीं। इन हेलीकॉप्टर्स को अभी तक केवल वायुसेना के पुरुष अधिकारी ही उड़ाते आ रहे थे, लेकिन अब पहली बार दो महिला अधिकारियों को भी चिनूक की कमान संभालने का सुनहरा मौका मिलेगा। कौन है वो दोनों महिला अधिकारी जो चिनूक को उड़ाने वाली हैं, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे चिनूक की कुछ खासियतों के बारे में। चिनूक हेलीकॉप्टर की कमान संभालने वाली महिला हैं स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। इन दोनों का तबादला चंडीगढ़ और असम के मोहनबाड़ी स्थित CH-47F चिनूक यूनिट्स में किया गया है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर का ही एक दूसरा नाम है। CH का मतलब होता है कार्गो हेलीकॉप्टर, जो सैनिकों से लेकर सेना के हथियार, तोप और दूसरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के काम आता है, और चिनूक ये काम कई दशकों से कर रहा है। साल 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय वायुसेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी M777 होविट्जर तोप और सैनिकों को पहुंचाने के लिए इन्हीं चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था। इस समय भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो हाई अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इसका इस्तेमाल कर रहा है। लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और अरुणाचल में लगभग 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर अभी चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन दो महिला पायलट्स को चिनूक की कमान सौंपी जा रही हैं, उनमें पहली स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज हैं और दूसरी स्वाति राठौर। पारुल भारद्वाज साल 2019 में भारतीय वायुसेना के एक कार्यक्रम के तहत MI-17V5 हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के बाद देश की पहली ऑल वुमेन क्रू में शामिल हुई थी। पारुल पंजाब के मुकेरियन की रहने वाली हैं और MI-17V5 उड़ाने वाली वो पहली महिला पायलट भी हैं। वहीं स्वाति राठौर ने साल 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। स्वाति गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट थी। स्वाति राजस्थान के अजमेर की रहने वाली है। साल 2015 में स्वाति राठौर वायुसेना में भर्ती हुई थी और साल 2012 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयर कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम सिंगापुर में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत के पास चिनूक हेलीकॉप्टर्स का जो वेरिएंट है उसे CH-47F कहते हैं और ये इस सीरीज का सबसे नया और आधुनिक हेलीकॉप्टर है। भारत के पास करीब 15 CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की एक फ्लीट है। CH-47F चिनूक का एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो रफ्तार के मामले में दुनिया का सबसे तेज हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 315 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह करीब 10,000 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। इसमें अधिकतम 55 सैनिक एक बार में बैठ सकते हैं। इसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। चिनूक की सबसे बड़ी एक और खासियत यह भी है कि इस हेलीकॉप्टर को छोटे हेलीपैड्स और घनी घाटियों में भी उतारा जा सकता है। साल 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने सैनिक पाकिस्तान में भेजे थे, तब चिनूक हेलीकॉप्टर्स का ही उसने इस्तेमाल किया था। हर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले ये हेलीकॉप्टर आज भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हैं। फरवरी 2019 में चिनूक हेलीकॉप्टर्स का पहला बैच भारत को मिला। पिछले कुछ सालों में ये लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियरों जैसी दुर्गम जगहों में तैनात भारतीय सेना की मदद के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशन जैसी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चिनूक हेलीकॉप्टर्स की इन दो महिला पायलटों से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।